इसलिए मैं आपसे कहूंगा, चार जोड़ कपड़े से अपनी जिंदगी गुजार लेना, सूखी रूखी रोटी खा करके अपनी जिंदगी गुजार लेना, लेकिन ऋण लेकर के झूठी शान शौकत दिखाने की कोशिश कभी मत करना। उधार लेकर के ऋण लेकर के झूठी शान शौकत दिखाने की कोशिश मत करना। और आदमी यही कर रहा आज, आमदनी अठन्नी की ओर, बोलो बोलो, रुपया खर्चा रुपया, अब क्या होगा मेरे भैया। रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर क्या हो रहा है। मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, अगर अगर चादर छोटी हो और पैर लंबे हो तो क्या करना चाहिए। चादर चादर छोटी हो पैर लंबे हो तो क्या करना चाहिए। कौन बोला पैरों को काट देना चाहिए। एक सवाल, अगर चादर छोटी हो पैर लंबे हो क्या करना चाहिए। समझदार लोग कहेंगे पैरों को सिकोड़ लेना चाहिए। यही बात तो तरुण सागर सत्संग में आने वाले भाइयों से, माताओं बहनों से कहते हैं, पुण्य की चादर बहुत छोटी है। पुण्य की चादर जो चाहो वो नहीं मिलेगा। इतना पुण्य नहीं हमारा आपका, जितना चाहो उतना नहीं मिलेगा। इतना पुण्य नहीं हमारा आपका, जब चाहो तब नहीं मिलेगा। इतना पुण्य नहीं है हमारा आपका। अरे चक्रवर्ती का पुण्य होता है वो जब चाहता है जितना चाहता है जैसे चाहता है उसको मिल जाता है। पर हम चक्रवर्ती नहीं है, हम चक्रवर्ती नहीं है, हम चक्रवर्ती नहीं है। इसके बाद भी हम अपने आप को चक्रवर्ती का बाप समझते हैं। चक्रवर्ती के चपरासी जैसी भी हमारी हैसियत नहीं है। चक्रवर्ती के चपरासी जैसी भी हमारी हैसियत नहीं है। इसके बाद भी हम अपने आप को चक्रवर्ती का बाप समझते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, पुण्य की चादर छोटी है इसीलिए अपनी इच्छाओं को सीमित करो, बस स्वर्ग तुम्हारे जीवन में उतर आएगा। तुम्हें किसी स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुण्य की चादर बहुत छोटी है इसलिए इच्छाओं को सीमित करो। इच्छाओं का क्या, दो इच्छाएं पूरी होती है चार इच्छाएं नहीं पैदा हो जाती। दो कामना पूरी होती है चार नहीं कामना पैदा हो जाती है। मुल्ला नसरुद्दीन बंबई जा रहा था, गांव के लोगों ने कहा देख तू बंबई जा रहा है, बंबई बहुत खतरनाक जगह है, वहां अच्छे अच्छे लोगों को बेवकूफ बना देते हैं। मुल्ला ने कहा कि तो मुझे क्या करना चाहिए। बोले करना क्या चाहिए, वहां तू दुकान पे कुछ भी लेने के लिए जाए तो वहां हर चीज के दुगने भाव बताते हैं, बस ध्यान रखने का। हर चीज के बंबई में हर चीज के दुगने भाव बताते हैं, ये ध्यान रखना, सोच समझ के कुछ चीज लेना, हर चीज के दुगने भाव बताते। बोले ठीक है आपकी बात ध्यान रखूंगा। बंबई गया, गाय खाया पिया घुमा फिरा, चार दिन बाद अपने घर की याद आई, घर चलने के लिए बरसात का मौसम था, बोले चलो एक छाता लेके चलते बंबई आए, कुछ निशानी तो ले जाना पड़ेगी ना, बंबई आए निशानी लेके चलेंगे ना तो याद रहेगा ना बंबई के। छाता के लिए दुकान पर पहुंचा और बोला भाई साहब छाता मिलेगा क्या। मिलेगा, कितने में दोगे। 100 रुपए में। उसको याद आया हर चीज के दुगने भाव बताते। उसने कहा 50 में देना है। 50 में दोगे क्या। दुकानदार बोला 50 में। पर दुकानदार बोला ठीक है भाई 50 रुपए में देखो छाता आता नहीं है, ऐसा करो 40 रुपए 80 रुपए में ले लो। 80 रुपए, तुम पहले ग्राहक हो, बोनी खराब ना हो इसीलिए तुमको ये 80 रुपए में देते हैं। मुल्ला बोला 40 में देना हो तो बात करो। हर चीज के दुगने बाप। दुकानदार बोला देखो भाई ना तुम्हारी रही ना मेरी रही, ना तुम्हारी रही ना मेरी रही, 60 रुपए में छाता तुम्हारा पक्का। मुल्ला बोला 30 में देना हो तो बात बोलने का। अब तो दुकानदार छुड़ गया, कमाल का ग्राहक है।
मैं 60 रुपए बोल रहा हूँ तो 30 रुपए बोलता है, वो जुड़ गया। आखिर में उसने बोला फ्री में ले जाओ, फ्री में। मुल्ला बोला मिया फिर तो 2 देना पड़ेगा। इच्छाएं ऐसी होती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। 100 में मिल रहा था तो 50 में मांग रहा था, 80 में मिल रहा था तो 40 में मांग रहा था, 30 में मिल रहा था, 60 में मिल रहा था तो 30 में मांगने लगा, फ्री में मिल रहा था। तो इच्छाएं ऐसी होती है। पुण्य की चादर छोटी है, इसलिए इच्छाओं को समेटो, इच्छाओं को नियंत्रण में लाओ, इच्छाओं को कंट्रोल में लाओ। जो चाहो वो नहीं मिलेगा, जितना चाहो उतना नहीं मिलेगा, जब चाहो तब नहीं मिलेगा।